चैनल वाई, चैनल वाई, अ साउथ एशियन कैनेडियन चैनल। केवळ राजकारण करतात पण आम्ही मात्र राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन नातं जपत असतो। अरविंद जी आप आए हो, मैं यही कह रहा था कि पिछले कुछ दिनों में आप लगातार दूसरी बार आए हो। हम तो रिश्ता मानने वाले और रिश्ते संभालने वाले लोग हैं। ठीक है, राजनीति अपनी और अपनी जगह पर है, स्वाभाविक है। आने वाला वर्ष निवडणूक का, इलेक्शन का या चुनाव का वर्ष है। इस बार अगर ट्रेन छूट गई तो हमारे देश से प्रजातंत्र गायब हो जाएगा, और प्रजातंत्र को कायम बचाने के लिए मैं सिर्फ विपक्ष, ये शब्द जो है वो थोड़ा सा गोलमाल शब्द है। विपक्ष मतलब किसका विपक्ष, किसका विरोधी? हम तो सारे देश प्रेमी हैं, और देश से जो प्रजातंत्र हटाना चाहते हैं वो प्रजातंत्र के लिए और देश के लिए, मैं मानता हूँ आज से उनको विपक्ष या विरोधी बोलना चाहिए। लोकतंत्र विरोधी, लोकतंत्र विरोधी लोगों का मुकाबला करने के लिए और देश को बचाने के लिए हम एक साथ आए हैं, संविधान को बचाने के लिए आए हैं। अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से, हम जो लोग आए हैं सबकी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना उन्होंने अब हमें अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है, तो जैसा उन्होंने कहा मैं भी उन्हें कहना चाहता हूँ कि हम भी रिश्ता निभाने वालों में हैं। आपके साथ रिश्ता बनाया है तो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रिश्ता निभाएंगे, दोस्ती का रिश्ता। थैंक यू सो मच फॉर रिसीविंग अस सो वार्मली। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी अपने अधिकारों के लिए। जैसे ही दिल्ली में हमारी सरकार बनी 2015 में, हमारी सरकार बनते ही मोदी सरकार ने हमारी सारी शक्तियां छीन ली एक छोटा सा नोटिफिकेशन पारित करके। फरवरी 2015 में सरकार बनी और मई के अंदर 3 महीने में नोटिफिकेशन जारी करके हमारी सारी शक्तियां छीन ली। 8 साल दिल्ली के लोगों ने लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 8 साल लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। जिस दिन फैसला आया 8 साल की लड़ाई के बाद, उसके 8 दिन के अंदर केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी करके वो सारी शक्तियां वापस छीन ली। तो जनतंत्र के अंदर जनता की चलनी चाहिए कि गवर्नर की चलनी चाहिए, जनता की चलनी चाहिए कि केंद्र की चलनी चाहिए? चैनल वाई, चैनल वाई, अ साउथ एशियन कैनेडियन चैनल।